Hi guys, welcome back to your favorite channel and to the another episode of our beer series #beerbooks. Friends, आज हम टेस्ट करेंगे Rio Strong को और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी हमारे सब्सक्राइबर गुरप्रीत सिंह जी ने। अगर आप भी अपनी फेवरेट विस्की या फिर बियर का रिव्यू देखना चाहते हैं देन लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स, मैं जल्दी से उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में रियो एक स्ट्रॉन्ग बियर है या फिर कोई और अल्कोहलिक ड्रिंक है, और ये पीने में कैसी है और इसका प्राइस कितना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको ओनली लिकर बेस्ड ही वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना भी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और उसे ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी पहुंच जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और नए लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रियो को लॉन्च किया गया इन ईयर 2011 बाय अश्विन रॉड्रिक्स और वो एक वाइन मेकर बनने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जी हाँ, वो एक CA थे और वाइन मेकिंग का आर्ट उन्होंने सीखा ऑस्ट्रेलिया फेम्ड बैरोसा वैली में। और वो इंडिया आके एक वाइन कल्चर डेवलप करना चाहते थे जहाँ पे लोगों को एक बढ़िया क्वालिटी की अफोर्डेबल प्राइस में वाइन पीने को मिले। और रियो के साथ एक फैक्ट भी जुड़ा है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट रिंग पुल अप कैप वाली बॉटल्ड वाइन थी जो आजकल आप कैपिंग बियर्स में नॉर्मल ही देखते हैं। इसको रियो ने ही इंट्रोड्यूस किया था और रियो को बनाती है गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र। और मैंने देखा है कि रियो स्ट्रॉन्ग को भी लोग एक स्ट्रॉन्ग बियर मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक अल्कोहलिक बेवरेजेस की एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। आप इसको वाइन कूलर या फिर आप फिजी पोर्ट वाइन भी बोल सकते हैं। इस ड्रिंक को आप एक रिफ्रेशमेंट के तौर पे या फिर आपके होम पार्टी में एक स्टार्टर के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको एक कम बजट में एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक पंच वाली ड्रिंक चाहिए तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। और रियो स्ट्रॉन्ग को आप ब्रो कोड 15 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक वाइन कूलर है और ये भी एक वाइन कूलर ही है। और ब्रो कोड 15 का भी रिव्यू हमने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसको जरूर एंजॉय कीजिएगा। और रियो स्ट्रॉन्ग को बनाने के लिए जो ग्रेप्स यूज किए जाते हैं वो भी महाराष्ट्र में ही ग्रो किए जाते हैं। इसमें आपको 15.5% अल्कोहल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ये आपको 330 ml ऑफ पाइंट एंड 650 ml ऑफ फुल बॉटल में आपको अवेलेबल होती है। और 330 ml ऑफ पाइंट के लिए लुधियाना पंजाब में मैंने पे किए हैं 120 rupees। आपकी सिटी में इसका प्राइस क्या है आप मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसे पोर, देन नोज एंड देन टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रियो को ट्राई करने के लिए आज मैं यूज कर रहा हूँ रेड वाइन ग्लास क्योंकि आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये अपने रेड कलर में, आपको बिल्कुल ही रेड वाइन की याद दिलाएगी। अगर इसको पिएंगे या ट्राई करेंगे तो इसको थोड़ा सा अंदाज से ट्राई करेंगे क्योंकि पीने में भी इसको थोड़ा मज़ा आना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं इसको नोज और देखते हैं कि ये कैसी लगती है। आपको हल्की सी ब्रो कोड 15 की याद आएगी लेकिन ये उससे बहुत ही स्वीट लग रही है, लेकिन इसमें बिटरनेस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। थोड़ी सी आपको फ्रूटी एंड सिट्रसी भी ये फील होगी। तो चलिए अब करते हैं इसे टेस्ट और देखते हैं कि ये टेस्ट में कैसी लगती है। रियली स्मूथ, काफी स्वीट है ये, लेकिन आपको इसमें से हल्के से ग्रेप्स के आपको फ्लेवर्स आएंगे। इसमें से आपको स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरीज के भी आपको फ्लेवर नोटिस होंगे और थोड़ी सी सिट्रस भी लग रही है। एक मिनट में एक सिप और लेता हूं। जी हां, बिल्कुल सिट्रसी फ्लेवर है इसमें, जैसे कि ऑरेंज का फ्लेवर होना ऐसा मुझे फील हो रहा है। काफी रिफ्रेशिंग और एक फिजी ड्रिंक है ये, आपको पीने में बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक पंच आपको फील होगा क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 15.5% अल्कोहलिक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है जो कि एक नॉर्मल बियर के कंपैरिजन में 3 to 4 times ज़्यादा है। आप इसको आराम से सिप सिप करके पिएं, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
और अगर इसकी फिनिश की बात की जाए तो इसकी एक राउंडेड फिनिश है, फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसके साथ आप फूड पेयरिंग की बात करें तो इसके साथ आप चिकन या फिर चीजी फूड को ही पेयर कीजिए या फिर कोई हैवी मील आप इसके साथ ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा अल्कोहलिक पंच है उसको बैलेंस करने में आपको ये हैवी मील्स हेल्प करेंगी। और मेरे ओपिनियन में आपको इसे खाली पेट आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार तो वरना ये आपको हिला ही देगी। अगर आपको वाइन पीना पसंद है या फिर आप वाइन ट्राई करना चाहते हैं कि वो कैसी लग सकती है पीने में, तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और लेडीज़, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन मेरा सजेशन है आप सबसे कि आप इसको सिप सिप करके ही इसको ट्राई कीजिए, वरना ये आपको भी थोड़ा तंग कर देगी। तो इसको टेस्ट के लिए मैं देना चाहूँगा 8.6 out of 10, क्योंकि काफ़ी फ्लेवर्स भी मैं इसमें से ढूंढ पाया और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी और स्मूथ भी मुझे पीने में लगी है। तो इसको वैल्यू फॉर मनी के लिए मैं देना चाहूँगा 9.6 out of 10, क्योंकि ऐसी फ्लेवर वाली ड्रिंक आपको इस प्राइस रेंज में और इतनी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ वाली, यानी कि 15.5% अल्कोहलिक स्ट्रेंथ वाली ड्रिंक आपको इस बजट में तो नहीं मिलने वाली है। तो इसका अर्बन विस्कीज टोटल स्कोर हुआ 9.1 out of 10। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि नए नए लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी हमारी वीडियोस का मज़ा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पियो, करो मौजा, लव नज़ारे, चीयर्स।